मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम सुभाष गिल एंड ऑल माय फैमिली आप सबको बहुत बहुत बड़े दिन की मुबारक हो आज हम बड़े दिन के मुतक चंद बातें बाइबल में से सीखेंगे कि खुदा का जिंदा कलाम हमें क्या हदायत करता है और किस तरह से हमारी ज़िंदगी में इस क्रिसमस की खुशियाँ जो हैं वो जुड़ती हैं क्रिसमस जो बजात खुद क्रिसमस क्राइस्ट मैस जो है क्राइस्ट मीन्स मसाया मसीहा और एम एस क्राइस्ट मैस क्राइस्ट मीट्स अ सिनर इस दिन जब हम ये देखते हैं कि मसीह का आना खुदाबंदु मसीह का ज़मीन पर आना और गुनागार आदमी के लिए एक नजात का पैगाम आसमान से लेके आना इस चीज़ का निशानदही हम देखते हैं कि खुदावंद ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए तो ये जो हवाला हमने योहना तीन सोलह में से लिया है इसमें आज जब हम चंद मिनटों के लिए इस चीज़ पर गौर करेंगे कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए सो इस आयत को हम चंद हिस्सों में बांट कर इसकी जो खुदा है इसमें इसमें जहान से मोहब्बत है और फिर बेटे का जिक्र किया जाता है कि खुदा ने अपने बेटे को जहान के लिए कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए सो पहली बात यहां पे हम देखते हैं कि खुदा खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की हम ये देखते हैं कि खुदा यहोवा एलोहीम क्रिएटर गॉड जो खलक़ करने वाला खुदा है उसके मुतलक हम पढ़ते हैं कि खलक़ करने वाला खुदा जो है उसने जहान से ऐसी मोहब्बत की तो जहान की मोहब्बत के बारे में जब हम देखते हैं तो जहान जो है वो कहाँ से शुरू हुआ और खुदा की मोहब्बत जो है वो जहान के साथ कहाँ से शुरू हुई जेनेसिस चैप्टर वन में जब हम उसकी पहली आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि खुदा ने इब्तदा में आसमान और ज़मीन को बनाया और पाक रू जो था खुदा का रूह जो था वो पानियों की सतह पर जुम्बिश करता था गहराव पर जुम्बश करता था और जुम्ब जब हो रही है तो फिर खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा क्यों हर जगह पे अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था और हर जगह पे ज़मीन वीरान थी सुनसान थी लेकिन खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा और जब हम इस पहले चैप्टर को आगे तक पढ़ते जाएं आगे चल के छब्बीस सत्ताईस और अट्ठाईस आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी शक्लो सूरत पर यानी अपनी शबी पर बनाएं तो जब सताईसवीं आयत में चलते हैं तो आगे लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबी पर नर और नारी बनाया और फिर उनको बढ़ने फूलने की जो थी वो बरकत दी तो दूसरे चैप्टर की सातवीं आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने ज़मीन की मट्टी को लेकर उसका आदम पुतला बनाया आदम को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका तो वो जीती जान हुआ तो उसी चैप्टर में आगे चल के हम पढ़ते हैं कि खुदा जो थे वो आदम के लिए जब आदम को बनाया तो एक बहुत खूबसूरत बाग अदन तैयार किया और बाग अदन में हर किस्म के फल का दरख्त था और आदम को उस जगह पर खुदा ने रखा कि उसकी निगाहबानी करें और उसकी बागबानी करें। जब निगाहबानी और बागबानी करने के लिए कहा है तो आगे चल के हम देखते हैं कि खुदा ने सोचा कि इसका अकेला रहना जो है वो अच्छा नहीं तो खुदा ने आदम को गहरी नींद सुलाकर उसकी पसली निकाली उसकी औरत बनाकर तो आदम के पास लेके आए आदम के पास जब लेके आए तो आदम ने कहा कि ये तो मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है इसका नाम हवा रखा जाएगा हवा जो हिब्रू में शावा इसका जो लफ्ज़ है इसका मतलब है जिंदगी तो हवा का नाम जो था वो आदम ने रखा और आगे चल के हम देखते हैं कि खुदा ठंडे वक्तों पर तीसरे चैप्टर में ठंडे वक्तों पर आदम के साथ बातचीत करते थे तो जब खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की तो जहान जो है वो आदम से ही शुरू होता है जहान जो है वो आदम से शुरू होता है क्योंकि पहला आदम जो था वो खुदा ने अपने हाथों से बनाया और उसी के लिए ज़मीन का इंतज़ाम किया उसी के लिए समुद्रों को तैयार किया उसी के लिए पहाड़ों को तैयार किया उसी के लिए सारी खूबसूरती जो थी वो सब कुछ खुदा ने आदम के लिए बनाया बाग अदम को भी उसी के लिए बनाया गया और उसी से जहान जो थे वो शुरू हुआ और जहान से मोहब्बत जो है मैं ये सोचता हूँ कि जहान से मोहब्बत जो है वो आदम से मोहब्बत थी तो खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने आगे उसके अपना इकलौता बेटा जो है इसकी इसके इसकी, इसकी बाद में बात करते हैं लेकिन इसकी बात हम इसको पहले क्लियर करें तो फिर आगे चलते हैं कि ये जो जहान से मोहब्बत है तो ये मैं समझता हूँ कि जहान जो है वो आदम से शुरू हुआ और खुदा क्योंकि आदम को अपने हाथों से खुदावन ने बनाया था और उससे इतनी मोहब्बत थी कि उसकी छोटी सी गलती जो थी खुदावन से बर्दाश्त ना हुई तो उसको अपनी हज़ूरी से निकाल दिया गया लेकिन खुदा की मोहब्बत जो है प्रिंसिपल जो है खुदा का वो अलग चीज़ है एक हर एक शख्स की जिंदगी में एक प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल और मोहब्बत में दोनों चीज़ों में फर्क है डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़रूरी है खुदा ने उसको जब बाग अदन में रखा है, तो उससे कहा था कि जो बाग के बीच में अच्छाई और बुराई की पहचान का जो फल लगा है उसे मत खाना जिस दिन तू उसे खाएगा तो उस दिन मरा मरने का मतलब यही था कि जिस दिन तू उसे खाएगा तू मेरी हजूरी से बाहर निकाला जाएगा तो यह तो खुदा का एक एक दस्तूर उसका प्रिंसिपल था उसने अपना एक एक क्या कहते हैं हुक्म उसको दिया था यह कमेंडमेंट थी खुदा की कि जिस दिन तू इसको खाएगा यह मेरा हुक्म है तुझे कि तू तु इसको मत खाना जिस दिन तू खाएगा तो तेरा मेरा रिश्ता जो है वो टूट सकता है लेकिन खुदा की मोहब्बत जो है मोहब्बत खुदा की कायम रहती है

आदम के साथ इतनी मोहब्बत की है कि योहना तीन सोलह में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया अब खुदा की मोहब्बत जो है वो आदम के साथ है और आदम ने जो हुक्म था उसको तोड़ा और खुदा की हजूरी से बाहर आ गया लेकिन खुदा की मोहब्बत जो थी बेशक वो खुदा की आंख से दूर था लेकिन खुदा के दिल के गरीब था वो खुदा की मोहब्बत वहीं की वहीं है खुदा की मोहब्बत कायम है और खुदा ने अपनी मोहब्बत को इस तरह से ए, उसका इजहार किया रोमियो पांच बाप में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि जब हम गुनागार ही थे तो न वक्त पर खुदावन ने अपनी जान हमारे लिए दे दी तो यहां पर हम देखते हैं कि मोहब्बत जो है वो किससे की है आदम से मोहब्बत जो है जहान से की है तो जहान जो है वो आदम से शुरू हुआ और खुदा ने जहान से यानी आदम से मोहब्बत की कि उसकी गलती को दोबारा ठीक करने के लिए उसकी गलती का कफारा देने के लिए क्योंकि आदम जो था वो अपनी गलती का कफारा नहीं दे सकता था क्योंकि शरीयत जो है वो हमें सिर्फ गुनाह की पहचान करवाती है रोमियो तीन बाप उसकी बीस इक्कीस आयत में जब हम पढ़ें तो वहाँ पर शरीयत की जो शरीयत के मतलब लिखा है कि कोई भी शख्स जो है वो शरीयत से खुदा को खुश नहीं कर सकता शरीयत को पूरा नहीं कर सकता और ना ही खुदा को खुश कर सकते हैं इसलिए शरीयत जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुनाह की पहचान करवाती है और मोहब्बत में अब आदम को वापस अपनी हजूरी में लाने के लिए अब दूसरा हिस्सा तीन सोलह यूहना तीन सोलह का हम देखते हैं कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया मोहब्बत जहान और सेक्रीफाइस कुर्बानी खुदा की मोहब्बत किससे जहान से और कुर्बानी जो है वो जहान को बचाने के लिए खुद अपने बेटे को कुर्बान किया है कुर्बानी जो है मोहब्बत जो है इट्स सेल्फ लव इट्स सेल्फ इज अ सेक्रीफाइस लव इज गिविंग लव इज सेक्रीफाइस मोहब्बत जो है वो देना है किसी को मोहब्बत लेने की बात नहीं है मोहब्बत का मतलब है देना मोहब्बत का मतलब है कुर्बान करना मोहब्बत का मतलब है कि हर उस गलती को जो कोई करता है उससे उसको नजरअंदाज करना मोहब्बत का मतलब ये है मोहब्बत जो है वो बहुत सी चीज़ों पे पर्दा डालती है खुदावन ने आदम की उस गलती को नजरअंदाज करके उसको वापस अपने पास लाने के लिए एक ऐसा इंतजाम किया कि अपने बेटे की कुर्बानी दे दी अब बेटे की कुर्बानी जब दी है तो बेटा जो है वो क्रिसमस के दिन बड़ा दिन जिसको हम कहते हैं बड़ा दिन का मतलब यह है कि जब खुदाबंद यु बसी अपने आसमानी तख्त को छोड़कर जमीन पर आए तो एक जिसम के रूप में आए योहाना पहला बाप उसकी चंद आयतें शुरू में से हम पढ़ते हैं कि इब्तदा में कलाम था कलाम खुदा के साथ था कलाम खुदा था और यही कलाम खुदा के साथ इब्तदा में था और इसी कलाम के वसीले से सारी चीज़ें जो दुनिया में हम देखते हैं इसी कलाम के वसीला से बनी और फिर उसकी योहना एक चौदह में जब हम पढ़ते हैं कि कलाम जो था वो मुजस्म होकर हमारे दरमियान में फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा खुदा के इकलौते बेटे का हो खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया इकलौता बेटा जो है वो कलाम खुद है इब्तदा में कलाम था कलाम खुदा के साथ था कलाम खुदा था और यही कलाम मुजस्म होकर खुदा खुद जिस्म धार कर हमारे दरमियान में रहे और खुदा ने आदम के साथ जो मोहब्बत की है उस मोहब्बत का इजहार इस तरह से किया कि खुदा ने अपने आप को कुर्बान कर दिया उसके लिए लेकिन कुर्बानी देने के लिए जब हम देखते हैं कि कुर्बानी जो है वो पूरे तौर पे चढ़ाई जाती है तो खुदाबल यसु मसीह क्रिसमस वाले दिन जिस्म में दुनिया में आए और जिसम में जब दुनिया में आए हैं तो साढ़े तैतीस साल की उम्र तीस साल तक खुदावंद यसु मसीह जो थे वो अपना बारह साल की उम्र में हम पढ़ते हैं खुदावंद के कलाम में कि बारह साल की उम्र में खुदावंद हैकल में गए और खुदा के जिंदा कलाम की बातें खुदावंद के उन लोगों के बीच में कीं कि खुदा का रूह मुझ पर है और उसने मुझे मस्सा किया है जो कोई के गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, अंधों को बिनाई बख्शूं जकड़े हुओं को आज़ाद करूं और ख़ुदा के साल मकबूल की मनादी करूं, तो ये कलाम जो था खुदावंद ने 12 साल की उम्र में ए, 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 लोगों के बीच में कलाम को यसाया नबी की किताब में से पढ़ा और उसके बाद बारह से तीस साल की उम्र तक अपने बाप जस्मानी बाप यूसुफ की मदद करते रहे अपनी माँ के साथ रहे उनकी देखभाल उनकी खिदमत करते रहे लेकिन तीस साल की उम्र में उन्होंने हम पढ़ते हैं कि मत्ती तीन बाप उसकी सोलह सतारा आयत में के योहन्ना बपतिस्मा देने वाले से उन्होंने बपतिस्मा लिया और जब बपतिस्मा लेके पानी से ऊपर आए तो खुदावंत का रूह उनको बियाबान में आजमाइश जो थी उनकी आजमाने वाले से आजमाया जाए उधर वहाँ ले गए लेकिन ये बात अलग है लेकिन हम ये कहते हैं कि क्योंकि खुदावंत यस्सु मसीह जो थे उन्होंने आदम की कुर्बानी देने के लिए जानवरों का लहू जो था वो काफी नहीं था एक ऐसे बेऐब बर्रे के लहू की जरूरत थी जिसमें किसी किस्म का कोई दाग ना हो और शैतान खड़ा होकर ये ना कह सके कि ये तो आप तो खुदा हैं आपने इस जानवर के खून के वसीले से इस आदमी का कफारा दिलवा दिया और उसको वापस अपनी जूरी में बुला लिया लेकिन किसी तरह से भी खुदा प्रिंसिपल के खुदा हैं गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रिंसिपल और खुदावन ने अपनी जान कुर्बान दी लेकिन कर दी लेकिन जो आयत हम पढ़ते हैं वहां पर खुदावन ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कुर्बान कर दिया लेकिन अब बात यह है कि क्रिसमस का दिन जैसे मैंने शुरू में ही ये बात इसको की थी कि क्राइस्ट मीट्स सिनर क्राइस्ट मीट्स सिनर क्राइस्ट मैस मसीहा जो है वो एक गुनागार आदमी को सिर्फ मिलने के लिए ही नहीं आए बल्कि मैस का मतलब होता है टू हैव फेलोशिप विद ईच अदर मैस जब हम संडे uh, चर्चेस में जाते हैं तो उसको भी मैस कहते हैं लेकिन मैस का मतलब यह है कि टू हैव फेलोशिप विद ईच अदर हैविंग फेलोशिप अदर जब एक दूसरे के साथ मिलके हम आ, 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 मिलते हैं फेलोशिप करते हैं संगत करते हैं युगानगत होती है तो कलाम के मुताबिक जहां दो या तीन मेरे नाम में जमा होंगे मैं उनके बीच में हूं यह खुदा का वादा है सो so, खुदावंत का क्रिसमस का जो हम इस आयत में से इसका लेते हैं कि क्राइस्ट मैस खुदाबंद यसु मसीह जो हैं वो इस दिन ज़मीन पर इसलिए आए कि उस गुनागार आदमी को जिसने गुनाह किया था उसे वापस अपनी हजूरी में लाने का एक इंतज़ाम करने के लिए आए ताकि उसके साथ युवानगत हो उसके साथ फेलोशिप हो संगत हो उसके साथ और फिर उसी तरह से खुदावंद जिस तरह से ठंडे वक्तों पर आदम के साथ आदम आ, बागे अदन में बातचीत करते थे उसी तरह से फिर से बात कर सकें अब बात यह है कि कौन खुदावंद यसु मसीह की इस पैदाइश को यू नो मैनी पीपल आर लिविंग इन द इन द वर्ल्ड विदाउट होप बहुत से लोग ना उम्मीद हैं पोलूस कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम दूसरे लोगों की तरह ना उम्मीद रहो जिनको कुछ उम्मीद ही नहीं ना उम्मीद जो है वो यह है कि आसमान से जो उतरा है वो ही आपको आसमान तक पहुंचा सकता है और कोई नहीं पहुंचा सकता खुदाम के कलाम में हम पढ़ते हैं अमाल चार बाप में यस्सु जैसा नाम ना तो आसमान पर किसी को बख्शा गया ना जमीन पर किसी को बख्शा गया ना जमीन के नीचे पानियों में किसी को बख्शा गया यस्सु नाम ही जो है वो ही हमें बाप के साथ मिलाता है और तीन सोलह योहन्ना तीन सोलह में भी हम यही पढ़ते हैं कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया न आदम के साथ गुनाह आदम ने किया था उसके गुनाह का कफारा देने के लिए अपने आप को खुदावन ने कुर्बान कर दिया ताकि उसके वसीले से जिस तरह फिफ्टी वन जबूर पाँचवीं आयत में पढ़ते हैं कि हम सब जितने भी इस दुनिया में पैदा होते हैं वो गुनाह में पैदा होते हैं लेकिन हमारे उस गुनाह का जो इंतज़ाम है खुदा युस् मसीह ने अपना खून देकर उस गुनाह का कफारा जो है वो दे दिया है आसमान अब खुल चुका हुआ है देर इज अ होप मैनी पीपल दोज हु आर लिविंग विद आउट होप इन दिस वर्ल्ड देर इज अ गुड न्यूज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स देर इज अ होप फॉर यू एंड मी देर इज अ होप इन जीजस क्राइस्ट Jesus uh, in uh, John chapter 3.16, we read, God so loved the world that he gave his only begotten son. God loved the world means that the world was started in the Garden of Eden, and that was Adam. The world starts with it. But Jesus, he gave himself, he sacrificed himself, he shed his blood, he paid the price with his blood. उस जुदाई को उस जुदाई की दीवार को गिरा दिया हुआ है उस जुदाई को खत्म कर दिया हुआ है उस जो हुक्म अदूली की थी उसका जो रैत था खुदा का गुस्सा जो था उसको अपने खून के साथ कवर करके तो खुदावन ने आसमान के दरवाजों को फिर से खोल दिया हुआ है अब जो बात है कि खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया अब कौन वहां पे जा सकता है होप इज दिस कि कौन आसमान पर जा सकता है क्रिसमस पर मसीह आसमान से हम पढ़ते हैं कि आसमान से फरिश्तों ने भी इस चीज का पैगाम दिया कि आज दाऊद के शहर में एक बादशाह पैदा हुआ है तो गडरिए भी उस पैगाम को सुनकर भागते हैं उसको देखने के लिए और हम मजूसियों को भी देखते हैं कि मयूसी मशरक की तरफ से अपना ईस्ट की तरफ से अपने बहुसास सोना मुर और लुबान बादशाहों के बादशाह की कदमों में लाकर रखते हैं और उसको सजदा करते हैं क्योंकि शहनशाहों का शहनशाह बादशाहों का बादशाह जो है वो खुदा यस्सु मसीह हैं और जो पैदा हुए क्रिसमस को लेकिन उन्होंने अपनी जान को कुर्बान करके आसमान का रास्ता जो बंद था वो खोल दिया है देर इज अ होप इन हिम तीन सोलह के दूसरे हिस्से में कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए होप इसमें हु एवर बिलीव इन जीजस ही विल हैव इटर्नल लाइफ ही विल हैव एन एवरलास्टिंग लाइफ एवरलास्टिंग लाइफ मीन्स टू बी रिकनसाइल्ड विद द फादर अगेन आसमानी बाप के साथ दोबारा आप उसी के घर में जाके दोबारा उसी तरह से ठंडे वक्तों पर ठंडे वक्त का मतलब यही है कि आप पर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं किसी किस्म का कोई दुख नहीं कोई आस पर, रेवलेशन में हम पढ़ते हैं कि वहां पर ना तो दांतों का पीसना होगा और ना ही कोई बीमारी होगी ना भूख होगी सोने की सड़कें वहां पर और जब हम खुदा मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल कर लेते हैं जो कोई उसको कबूल करता है वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बनता देर इज होप द वर्ल्ड इज लिविंग दे आर डाइविंग इन ओशन ऑफ प्रॉब्लम्स वो उसमें डूब रहे हैं द ड्राउनिंग मुसीबतों की मुसीबतों के दरिया में डूब रहे हैं बीमारियों के दरिया में डूब रहे हैं परेशानियां हैं इतनी कतलों का होती है लोगों के जहन में लोगों की ज़िंदगियों में मोहब्बत नाम की कोई चीज ही नहीं है लेकिन खुदा की मोहब्बत जो है खुदावन ने ऐसी मोहब्बत की कि ही सेक्रीफाइस हिमसेल्फ कौन आ, आ, कलाम में हम पढ़ते हैं कि कौन किसी के लिए अपनी जान दे सकता है शायद हो कोई जो किसी अच्छे इंसान के लिए अपनी जान दे आई डोंट थिंक देर इज एनी बडी हैज सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर सिनर सिंपल सी बात है एक पापी के लिए एक गुनागार इंसान के लिए आपको पता भी हो कि ये गलत इंसान है ये गलत काम करता है ये इसकी जिंदगी में हर चीज ही गलत है इसकी जिंदगी में से कभी कोई अच्छी चीज नहीं निकली कोई अच्छी बात इसके मुंह से नहीं निकली और उसके लिए आप अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए सच अ वंडरफुल थिंग गॉड सो लव वर्ल्ड ही लव द वर्ल्ड ही लव्ड एडम एंड बिकॉज ऑफ एडम एवरी सिंगल पर्सन हु इज बोर्न ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ दे आर बोर्न इन sin. याद रखें यह बात Keep that in your mind, please. Every single person who is born by the natural consent of their mother and father, they are born in sin. But I want to tell you, Jesus was not born with the match of a man and a woman. He was born by the Holy Spirit. There was kishiikaunga. ज ही वॉज बॉर्न बाय द होली स्पिरट देर वॉज नो ब्लेम इन ही वॉज ब्लेमलेस किसी किसम का कोई दाग किस किसम का कोई नुक्स किसी किसम की कोई गुना की चीज उसके खून में मिक्स नहीं थी दैट्स वाई ही इज होली एंड आदमी के कफारे का लहू जो है वो सिर्फ और सिर्फ बे ऐब और बेदाग लहू से ही हो सकता था और वो खुदाबंद है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दिस क्रिसमस सीजन इज अ सीजन टू बी रिकनसाइल्ड विद द हैवली फादर आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू द इन्विटेशन इफ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट टू really want to make a good decision when you leave this earth. where are you going to go? there are two places, hell and heaven. without jesus, we are all living in hell. but with jesus, you and me, we have a hope to live our eternal life with him. it's christmas season per mahapsap to apni सही मानों में आसमानों पर रहकर गुजारना चाहते हैं जिस खुदावंद आसमानी बाप के साथ जिसको हम हिंदी में स्वर्ग कहते हैं तो दो ही जगहें हैं जहां पर हम इस जिंदगी को जब हम पूरा करेंगे सत्तर अस्सी साल नब्बे साल की उम्र जो है हमारी जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तो दो जगहें हैं एक नर्क है और एक स्वर्ग है दोजक है और जन्नत है यस्सु के बगैर तो हम दो में ही हैं लेकिन अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं जन्नत में अपनी हमेशा की जिंदगी को गुजारना चाहते हैं मुक्ति हासिल करना चाहते हैं तो यसु मसीह को अपनी जिंदगी में आने की दावत दें यसु मसीह आपके दिलों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं अपने दिलों के दरवाज़ों को सख्त मत करें अंदर की कुंडी को खोलें और यस्ु मसीह को दावत दें और हमेशा की जिंदगी खुदाबंद यस्सु मसीह के साथ गुजारें खुदाबंद आपको बरकत दे।